इसमें इस्तेमाल हुआ है। जब ये कसीदा पढ़ा गया ऐलान हुआ उसमें लफ्ज मोहब्बत आया कि जो चादर के नीचे वहां पे लफ्ज मोहब्बत था और यहां पर हुक्म है कि मवद्दत, तो इसका मतलब दोनों लफ्जों में फर्क होगा। भाई जो मोहब्बत कुर्बान कर दी जाए मवद्दत के ऊपर उस चीज का नाम अजमत के एतबार से मवद्दत, क्योंकि वो मोहब्बत तो अल्लाह ने कहा कि मेरे रसूल इनसे सवाल करो। भाई किस चीज के बारे में सवाल करना? मोहब्बत अहले बैत के लिए। तो इसका मतलब अल्लाह ने पैगंबर को साईं बनाया, नबी को अल्लाह ने क्या बनाया? साईं। जब साईं की भी बात आई है तो अक्सर बेशतर मांगने वाला जो होता है वो साईं होता है। अब कहा जाता है ये अपना नहीं गैर है। अब इन लफ्ज अपना और गैर अल्लाह ने तो कभी कहा नहीं। अल्लाह ने तो पैगंबर को मुखातब करके कहा मोहम्मद साइरा फलाना। अगर कोई साइन सवाल कर बैठे तो उसको ठुकराओ नहीं, उसको छिड़को नहीं। तो अब बताइए यहां पे अपना कहां है? अब मोहब्बत अहले बैत के लिए अल्लाह ने पैगंबर को साईं बनाया कि इनसे सवाल करो। देखिए सवाल करने वाला एक होता है, जब सवाल एक होता है उसकी अहमियत बदलती है तो उसकी कैफियत बदल जाती है। कैफियत बदलेगी तो नौयत बदल जाएगी, मगर सवाल एक ही रहता है। कभी कभी सवाल एक होता है, जैसे जैसा वक्त होता है माहौल होता है मतलब होता है वैसे ही उसका देखा जाए माना भी तब्दील होता रहता है। तो यहां पर मोहब्बत अहले बैत के लिए अल्लाह ने किसको बनाया? साईं पैगंबर को, रसूल इस्लाम। ये सवाल करो। अब उम्मत मुस्लिमा लफ्ज साईं पर गौर फिक्र करेगा। मैंने जल्द इस्तेमाल किया अब वो इशारा भी कर दिया कि भाई वक्त मौका महल के एतबार से देखा जाए सवाल एक है, उसका माना मतलब फिर नजाकत है बदल जाता है, कैसे बदली नौयत बदली। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने बड़े से सवाल किया, बस मैं आगाज कर रहा हूं उसमें भाई आवाज, एक बच्चे ने बड़े से सवाल किया, इस सवाल को गुजारिश कहा गया। और तवज्जो कह रहा हूं, अगर छोटा बड़े से मांगे ये बना गुजारिश, और अगर बराबर वाला बराबर वाले से मांगे अब इसको गुजारिश नहीं कहेंगे, अब इसको कहेंगे इल्तमास। अब इस सवाल को इल्तमास कहेंगे। और अगर कहीं बड़ा छोटे से मांगे अब ये सवाल गुजारिश भी नहीं रहा, अब ये सवाल इल्तमास भी नहीं रहा, अब ये सवाल बन गया हुक्म। ना छोटा बड़े से मांगे गुजारिश, बराबर वाला बराबर वाले से मांगे इल्तमास, और अगर बड़े छोटे से मांगे तो गुजारिश नहीं रहा इल्तमास नहीं रहा, बल्कि ये सवाल बन गया हुक्म। ये सवाल हुक्म। अब उम्मते मुस्लिमा किस जाविये से पैगंबर के बारे में गौर फिक्र करती है? अगर माज़ अल्लाह नबी छोटे हैं उम्मत बड़ी, ये सवाल बना गुजारिश। अगर नबी और उम्मत बराबर, अब यह सवाल बन गया इल्तमास।
मुसलमान भाइयों, देखिए गलियों में भटकने वाली मोहब्बत न करो, सड़कों में चलने वाली मोहब्बत न करो, मोहब्बत ऐसी न करो कि तुम्हें मजनून बना दे, मोहब्बत ऐसी न करो कि तुम जादू कर बन जाओ, मोहब्बत ऐसी न करो कि तुम दीवाना बन जाओ। भाई मोहब्बत करना है तो उससे न करो जो तुम्हें दीवाना बना दे, मोहब्बत करना है उन हस्तियों से करो जो तुम्हें मोहल्लों में दाना बना दे। मोहब्बत करना है तो उन हस्तियों से करो जो तुम्हें मोहल्लों में दाना बना दे। तो कहते हैं कि एक हुक्म तो मोहब्बत हुक्म है, एक हुक्म समझ में आया, एक हुक्म समझ में नहीं आया, अंदर समझ में आया, अहले बैत समझ में नहीं आए, नमाज समझ में आई, इबादत समझ में नहीं आई। भाई एक ही मकाम है, एक ही जगह पर पैगंबर ने हुक्म इबादत भी सुनाया, पैगंबर ने हुक्म मोहब्बत भी सुनाया। मस्जिद ही में पैगंबर ने कहा अस्सलातो उमुद्दीन, मस्जिद ही में पैगंबर ने कहा या अली अंता या सुबुद्दीन, मस्जिद ही में कयाम किया, मस्जिद ही में फातिमा का एहतराम किया, और मस्जिद ही में आलम यह है कि नबी रुकू में है, रुकू तूलानी होता जा रहा है, रुकू तूलानी हो गया, रुकू के बाद सजदा, सजदे के बाद नमाज तमाम हुई। अब लोगों ने बढ़कर सवाल किया या नबी अल्लाह, जो दिन कल गुजरे थे आपने सजदे को तूल दिया था, आज रुकू को तूल क्यों दिया? नबी ने कहा कल बेटे की वजह से, आज बाप की वजह से। तो मैं मतलब नहीं समझा, कल हुसैन की वजह से सजदे को तूल दिया, आज अली की वजह से मैंने रुकू को तूल दिया, कल मैं समझ नहीं पाया। कल जब मैं रुकू में था तो जिब्राइल ने आके मेरे घुटनों पे हाथ रख दिया, मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा था, जिब्राइल कह रहा था अली शरीफ के जमात नहीं हुए अभी, अली शरीफ के जमात नहीं हुए, अली शरीफ के जमात अभी नहीं हुए, मैं सुभान अल्लाह कह रहा था, जिब्राइल अली अली कर रहा था। अब मुझे कहने दीजिए, जब जिब्राइल के अली अली करने में नबी की इबादत में खलल पैदा हुआ तो हमारे अली अली करने से तेरी खिताबत में क्या खलल पैदा होगा? कभी तूने सजदे को रोका, कभी रुकू में रोका। अगर रोकना ही था नबी ने नियत की जब रोक लेता, जब कयाम किया जब रोक लेता, जिक्र किया जब रोक लेता, भाई सजदे में जाते जब रोक लेता, तशहुद पढ़ते जब रोक लेता। जिब्राइल कहेगा तुम समझोगे नहीं, पहले नियत है, फिर तकबीरतुल इहराम, फिर कयाम, फिर रुकू, फिर सुजूद, फिर तशहुद, फिर सलाम, फिर तकदीर, फिर मवालात। मैंने कहा जिब्राइल इससे क्या फायदा? जिब्राइल ने कहा इसलिए मैंने पैगंबर को सजदे में जाने से, सजदे में जाने से रुकू में रोका, रोक के बताया, बता के पहचानवाया कि जब शिरकत अली के बगैर मोहम्मद का सजदा गवारा नहीं है तो मोहब्बत अली के बगैर उम्मती का सजदा क्या गवारा होगा? नमाज मोमिन की मेराज, सजदा नमाज की मेराज। तो जिब्राइल जवाब देगा मैंने पैगंबर को सजदे में जाने से रुकू में रोक के बताया, जब फर्श वाली मेराज बगैर अली के नहीं हो सकती है तो अर्श वाली मेराज बगैर अली के कैसे हो जाएगी? एक और दुनिया में लेकर जाती है, एक और साइड में लेकर बहुत
मोहम्मद के अहले बैत जाते हैं। कौन जनाबे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी? जाबिर कोई मामूली हस्ती का नाम नहीं, जनाबे जाबिर जिन्होंने सात मासूमों की ज़ियारत की, पैगंबर के दौर से गुजरे वो जाबिर, अली के दौर से गुजरे वो जाबिर, शहजादी के दौर से गुजरे वो जाबिर, हसन हुसैन के दौर से गुजरे वो जाबिर, ज़ैनुल अवाब के दौर से गुजरे वो जाबिर, और मोहम्मद का सलाम अमानत के तौर पे रख के मोहम्मद बाकी को पहुंचाया वो जाबिर। सात मासूमों की ज़ियारत करने वाला कौन जनाबे जाबिर? मैं हवाला दे रहा हूं एक अल्लामा मजलिसी और एक रिवायत बहुत आम रिवायत है, बहुत मशहूर हदीस है पैगंबर की। अल्लामा मजलिसी ने तहजीबुल इस्लाम में यह हदीस लिखी, आप पढ़ सकते हैं, जहां पे जाबिर ने भीड़ देखी, मजमा देखा, लाखों लोगों को देखा, वहां पे जाकर पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद दो हदीसें पढ़ते हैं, पहली हदीस अलीयुल खैरुल बशर वमन अबा फकत कफर, के जमाने वाले सुनो अली बेहतरीन बशर है, जो इनका इनकार करे वो काफिर। ये रिवायत हर जगह में है। अब दूसरी रिवायत जनाबे जाबिर ने जहां भीड़ देखी, मजमा देखा, वहां पहुंच गए, दो हदीसों की तब्दील करते थे, एक पहली हदीस ये दूसरी वाली हदीस, मजमा देखा, जाबिर ने कहा अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐ लोगों, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसको अली की मोहब्बत सिखाओ, जब बच्चा 10 साल का हो जाए उसको अली की मोहब्बत सिखाओ, अगर सीखे तो तारीफ करो, ठीक है तहदीन करो। किताब का हवाला ले लिया, तहजीबुल इस्लाम अल्लामा मजलिसी ने यह रिवायत लिखी है, अब तो उर्दू जबान में आ गई किताब का, जब बच्चा कहीं रिवायत में 5 साल का भी है कहीं 10 साल, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो अली की मोहब्बत सिखाओ, अगर ठीक है तो तारीफ करो, न ठीक है तो तहकीर करो, अरे जाबिर तुझ पर मेरा लाखों लाख सलाम कि तूने मेरे बंद जहनों को खोल दिया, जहन के दरीचों को खोल दिया। जाबिर कहेगा क्यों? कहा इसलिए जो मां अपने बच्चे को अली की मोहब्बत सिखाएगी उसकी तारीफ होगी, तहकीक नहीं होगी। अब अगर कोई मां लाके अली से डरा दे उसकी तारीफ नहीं होगी, तहकीक होगी। ये जाबिर की तबलीग, लेकिन जाबिर बहुत अजमत वाले थे भाई, सात मासूमों की ज़ियारत करने वाला जाबिर, ये तो मासूमों की ज़ियारत की, और सबसे बड़ा रुतबा तो जनाबे जाबिर का ये है कि सबसे पहला ज़ाहिर आका हुसैन का है जनाबे जाबिर। अब तीसरा रुतबा जनाबे जाबिर का ये है कि जहां पे हदीसे किसान पढ़ते हैं वहीं पे जनाबे जाबिर से भी मंसूब है, एक सलवार पढ़ रहे मोहम्मद, कहा बेहतरीन बशर, पैगंबर की बदन सजी हुई, बैठे हैं अच्छे अच्छे लोग और बेहतरीन लोग, उधर से कुरान मजीद की आयत आ गई, आयत आई तो पूछ लिया, कहा या नबी अल्लाह ये हूं
बैतुल शरफ से चले, तमाम तस्वीरों में है। मौलानी बैतुल शरफ से बरामद हुए, पैगंबर ने इशारा किया हम खैरुल बरिया, ये आने वाली जात खैर बरिया है। अब पता चला ये जो नफ्से हुम है कोई मामूली जात के लिए नहीं बोला जाता है, या तो जौजा के लिए अल्लाह ने बोला या अली के लिए बोला। आग्रह नहीं पहुंचा, अली के लिए कहा हुम खैरुल बरिया, जौजा के लिए कहा हम फातिमा अबूहा बबालोहा। अली जो है वो है खैर, यह खैरुल बरिया। मगर वहां पे अल्लाह ने कहा हूं फातिमा को अबूहा बबालोहा बबूहा, इसमें फातिमा है, उनके वालिद, उनके शौहर, उनके बच्चे। तो देखिए वहां पर भी खैर की बात, लेकिन खैर ऐसी शहर है जिसका दामन खैर से मिल गया वो कामयाब, जिसका दामन में खैर से मिटा या मिला या दामन ने खैर को नहीं पकड़ा तो वो नाकाम। अब पूछने वाले ने यह तो पूछा था खैर संगीत पुरी से, कहता कि हजूर ये हयाला खैर अमल कौन थे? खैर संगीत पुरी ने फिर बनी कहा असला तो खैर मिनन्ना के शौहर थे, एक सलवार पढ़ रहे वहां मर रहा। लेकिन खैर जो भी आएगा शामिल होने के लिए दामन से लगने के लिए आए इनके अंदर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता भाई? किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। आप बराबर सुनते रहते हैं एक और शब्द आपकी जिंदगी का अजीब लम्हा
سلیم نے محرخین نے مشورہ کیا, مشورہ کر کے آ جناب سلمان کے پاس حلقے میں لے لیا. جناب سلمان, کبھی بھی سلمان میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا, ایک قضیہ ایک مسئلہ ہے. بی بی سلمان نے کہا کیا پوچھو گے, کوئی آئے کوئی حدیث کوئی لائے, بھائی کیا پوچھنا ہے؟ کبھی بھی یہ کچھ نہیں پوچھوں گا. پھر کیا پوچھنا ہے؟ کبھی بھی سلمان یہ بتا دیں, آپ کی 70 سال کی زندگی میں عظیم لمحہ کب آیا؟ سوچ کے یہ حالت ہے کہ جناب سلمان کہیں گی کہ میں نے رسول کا رشتہ بنایا, میں نے رسول کو کھانا دیا, میں نے پانی دیا, یہ وہ سوچ کے آئے تھے. جناب سلمان یہی جواب دے, کہا کہ اے بیوی آپ کی 70 سال کی زندگی کا عظیم لمحہ کب آیا؟ خدا کی قسم جناب سلمان نے ذہن پر رکھ دیے. جناب سلمان نے کوئی جواب ہی نہیں دیا جو سوچ کے آئے تھے. ذہنوں کو پلٹ دیتی ہے جناب سلمان. جناب سلمان کہتی ہے لکھو راویو لکھو, میری 70 سال کی زندگی کا عظیم لمحہ وہ تھا جب نبی نے مجھے چادر میں آنے سے روکا. آپ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے. کیا کہا؟ سب سے عظیم لمحہ یعنی بلند لمحہ میرے نزدیک وہ تھا جب رسول نے مجھے چادر میں آنے سے منع کیا. یہ جناب سلمان نے جواب دیا. اب مفسرین محدثین کہنے لگے بی بی اس میں تو ہم محروم ہو گئی, اس میں بلندی کہاں, اس میں رتبا کہاں؟ بھئی آپ کو نبی نے چادر پہننے سے منع کیا تو اس میں بلندی کہاں؟ جناب سلمان نے کیا کہا؟ کہ جس دن نبی نے چادر میں آنے سے روکا وہی 70 سال کی زندگی کا عظیم لمحہ تھا میرے لیے. اب اللہ جانے جناب سلمان کے ذہن میں کیا تھا؟ کبھی بھی محبوبی بلندی نہیں مرتبہ نہیں, بلند ہو ہی نہیں سکتی اس جملے سے. جناب سلمان نے کہا تمہیں کیا پتا جب مجھے نبی نے چادر میں آنے سے روکا میں مڑی وضو کیا مصلی بچھایا دو رکعت نماز پڑھی خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اور میرا پروردگار تیرا اللہ شکر ہے آج بہت ساری میں سے رسول نے کسی کو خیر کی سند نہیں دی الا ہمارے. اللہ
अल्लाह ने कसम खाई। एक और फितरा अल्लाह ने कसम क्या खाई, इस जमीन वजह आ गई मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। यही तो हदीस की समय है कसम इज्जत वजह। अरे मेरे मामू एक कसम खा लेता है इज्जत के लिए, ये दोनों कसमें क्यों खाई, इज्जत वजह मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। तो अगर इज्जत की कसम खा लेता तब निकलना पड़ने वाले मालूम थे, अगर जलाल की कसम खाता तब भी कलमा पढ़ने वाले मान लेते। अल्लाह ने कहा दो कसमें इसलिए खाई, ये उम्मते मुस्लिमा पहले मेरे अल्लाह में कैसे मानता, इसलिए मेरे नबी की शरीयत है दो गवाह न हो। Yeah.
सर पे अमामा 6 मीटर का और इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप इंसान से बताएंगे हमने झूठ बोला कि नहीं बोला? थोड़ी देर के लिए अगर सिस्तानी साहब किया जाए तो जब अपनी तवज्जो मसाल में ये फिक्र लिख सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, वो भी तो यही पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा मोहब्बत अहले बैत का सबसे बड़ा फायदा, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिनहु इल्ला खैरा। और मैंने पढ़ा लिखा इस मरने वाले के लिए खैर के अलावा तुम जानता ही नहीं, जबकि हम जानते हैं तो उसमें लगता था नेकियां कुछ नहीं। मस्जिद का दरवाजा पता नहीं पूरा था या पश्चिम केवला उत्तर था या दक्षिण, कुछ नहीं मालूम नेकी का, पता नहीं सारे साल गुजर गए कहा है नहीं है कुछ जानते नहीं। और तब भी मर गया तो अब हमारे संग जबकि हमारे पड़ोस में नहीं हुआ, जानते हैं भाई पूरी जिंदगी हमारे पड़ोस में गुजारी, हमसे बेहतर कौन का लेगा। अरे हुए अल्लाह हुआ इतना लाला मोमिन हो इतना खाएगा ऐसा रख कर दिखा भाई मरने वाले के लिए खैर के अलावा तुम जानते नहीं। सोचिए इतना बड़ा दावा करना, जबकि आप लोग भी जानते होंगे जब वहां से चले आते होंगे तो बहुत पैसा था बात कुछ भी कहे जानते हैं, मगर वहां पे खड़े होके कहते हैं अरे मेरे अल्लाह इस मरने वाले के लिए मैं खैर के अलावा तुम जानते हैं। पहले ये देखना पड़ेगा खैर आए तो किसकी जात है, वो जात है अली नबी तालीम। मैं इस मरने वाले के लिए खैर के अलावा कुछ जानता नहीं, मतलब क्या है? मुझे ये खबर नहीं है कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, रोजा रखा कि नहीं रखा, हज किया कि नहीं किया, खुश दिया कि नहीं दिया, जिहाद दिया कि नहीं दिया, सदका दिया कि नहीं दिया, बेवाओं का सहारा बना या नहीं बना, यतीमों की परवरिश की कि नहीं की, मुझे परवाधिकार कुछ इल्म नहीं। मैं तो यह जानता हूं मरने वाला मोहब्बत अब अपने शियों में भी कुछ ऐसे अकीदतमंद होते तो अकीदे वाले
मोबाइल अगर हर पैर है तो फायदेमंद, यही मोबाइल दूरी में चला जाए नुकसान। भाई बात करना भी फायदा और बात कर सुनना भी नुकसान। इसी तरीके से कीमत है, कीमत का करना भी गुनाह है, सुनना भी गुनाह है। आपका शहर में मुझे शुक्र किया।
Yeah.
مرحوم رضیہ بیگم ملتے حجاز سے اس کی روح کو اسلام